एटीएम साहब, एटीएम साहब, ओ आजा हो भाई आजा, ये देख लीजिए, बात कर लो आजा, एटीएम साहब, एटीएम साहब, गए, गए एटीएम साहब, एटीएम साहब, हाय हाय बिहार के लोगों को नंगा पुंगा बनाया गया है, नंगा पुंगा बहचोद क्या देखिए किस तरह से एक पत्रकार की हत्या पर इस तरह से एटीएम साहब, एटीएम साहब, आजा हो भाई आजा, ये देख लीजिए भैया जी। और बता दे कि सुभाष भाई को ऑन द स्पॉट उनके दरवाजे पर गोली मार दिया गया था। मैं उनका बात नहीं करूंगा, मैं आप बताने जा रहा हूं कि बिहार के लोगों को, गरीब मजदूर असहाय लोगों को किस प्रकार हमारे देश की सरकार दिखाइए, ये देश की सरकार नपुंसक बना दी है, नंगा बना दी है। और आज जीएम ऑफिस के सामने मैं नंगा, क्योंकि हमारी यही हालत है। पकड़ भाई, तो नहीं आओ, मैं प्रेस वाले हो ना, पकड़ इसको भाई, पकड़। हमारी क्या स्थिति है वो देख, हमारे बिहार के लोगों को तो पकड़ ले भाई, हमारे बिहार के लोगों को नंगा पुंगा बनाया गया है, नंगा पुंगा बहचोद क्या करेगा? देखिए किस तरह से एक पत्रकार की हत्या पर इस तरह से देखिए नंगा हो गया है, देखिए ये वही पत्रकार है, ये वही ईमानदार पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, ईमानदार कल इसकी भी हत्या की जाएगी। खाली नाथ भाई, भाई पहले मेरे पास सुनो भाई, आप लोग मैं बता रहा हूँ, मेरा माइक कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए, मैं नंगा नहीं हुआ हूँ। मेरा बिहार का हर एक मजदूर, गरीब किसान, हर एक आदमी को सरकार नंगा बना के छोड़ दिया है, मेरे बड़ुआ बना के, और इनको जबरदस्ती पुलिस पकड़ के ले जाता था उनको, बड़ुआ बना, भैया बड़ुआ बना के छोड़ दिया है सरकार हम लोगों को, मऊआ बना दिया, शर्म नहीं आ रहा है यहाँ के प्रशासन को, शर्म आना चाहिए। कितने लोग खोल दिए कपड़े अपना, खोल सकते हैं, यही बिहार का हालत है, यही नहीं है, चुप नहीं बैठेंगे आप, नहीं बैठेंगे, लोग प्रदर्शन करेंगे, सब मिला हुआ है, सब बिका हुआ है, बिकाऊ, सब बिका हुआ है, दारू खाने के पीछे दौड़ेगा, पैसा के पीछे दौड़ेगा, लेकिन इंसाफ नहीं होगा, आज उसको मारा है ना, सबको ठोक देगा सब। यही स्थिति हमारे बिहार की है, यही स्थिति हमारे बिहार की है, यही पत्रकारों को ऐसा करना पड़ रहा है, मजबूर है हम, नंगा बना दिया है डीएम ने हमको, मजबूर कर दिया डीएम ने, डीएम साहब एक बार देखने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ अरेस्ट करने के लिए आएगा, सिर्फ अरे पूरे बिहार के लोग नंगा हो गए हैं, यही स्थिति है, डीएम साहब, डीएम साहब, डीएम साहब, ओ आजा हो भाई आजा, ये देख लीजिए, बात कर लो आजा, डीएम साहब, डीएम साहब, गए, गए डीएम साहब, हाय हाय क्या दे, अरे भैया लूट देता है लोग, बर्बाद कर देगा बिहार को, रखिए जमीन नहीं मरा होगा ना तो गिरफ्तारी करेंगे हम, आपकी बेबसी समझ रहे हैं, हमको जेल में ले जाओ, ईमानदार और ईमानदार पत्रकार ले जाओ जेल में, हमको ले जाओ, ले जाओ जेल में, हमको ले जाओ, ले जाओ जेल में, हमको मैं इनकी समझ रहा हूँ, गोली मारेगा, एक मिनट मार, चल मुझे गोली मार, मैं इनकी बेबसी समझ रहा हूँ, जब सत्ता शासन प्रशासन पर आवाज उठाने वाला पत्रकार हत्या कर दिया जाता है तो इन पत्रकारों को भी डर लगता है कि कल हमको भी गोली मारा जाएगा, तो डीएम साहब के ऑफिस के सामने आके चिल्लाते हैं कि हमें भी मार दो, जब तुम्हारा जमीर मर गया है तो इनकी मानवता को भी मार दो, जब तुम्हारे मानवता मर गई है तो इनको भी मार दो, मैं इनकी बेबसी समझ रहा हूँ, मैं इनकी जेल में ले जाए, मार दे, लेकिन बिहार के जो भ्रष्टाचार हो रहा है क्यों चुप है, आज तक क्या कर रही है, स्पीड मिली भगत है, मिली भगत, माफियों का राज चलता है यहाँ पे, बेगूसराय, ओ भैया
बेगूसराय माफियों का राज चलता है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन सरकार भर हुआ है। अरे आपको भी मारेगा, हमको भी मारेगा, सबको मारेगा, सबको सबको मार देगा भाई, सबको सबको मारेगा। सरकार मऊगा है, पीएम मऊगा, फड़ुआ है, बड़ुआ है, जरूर जरूर मऊगा है, सब मऊगा है। सुन लीजिए, डीएम के आवाज के सामने खड़ा होकर की बात बोलेंगे, हमारे देश को नंगा मत करो, हमारे बिहार को नंगा मत करो। अरे क्या करें यार। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।